गाइस तो कैसे हो? तो भाई लोग आप लोग बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि रितेश भाई बहुत दिन हो गए यार वीडियो नहीं आई अभी तक। अच्छा, और हाँ यार मैं आप लोग को बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आप लोग को पता है कि इस टाइम यूट्यूब पे ओनली बैन की वीडियो आ रही है। सही बात है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रिवॉर्ड के बारे में जो की आप लोग को होली इवेंट में बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और इसी के साथ ये भी बात करने वाले कि आप लोगों को जो हमारा फ्री फायर गेम है वो प्ले स्टोर और एप स्टोर पे कब से देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते कि पिछले वीडियो के डायमंड के विनर आपसे में से कौन था। भाई लोगों ने स्पिन कर लिया है, देखते हैं इससे कौन सा लकी विनर निकल के आता है। सो गाइस नाम आ चुका है द डार्क बॉय आर्मी। तो द डार्क बॉय आर्मी आपको क्या करना है कि मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, अगर आप रियल बंदे मैं आपको रिडीम कोड दे दूंगा, आप उसे डायमंड ले लेना। अगर आप लोग भी डायमंड जीतना चाहते हो तो कैसे जीत सकते हो आप लोग को वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी का वाले प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स के बारे में जो कि हम लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है, बिकॉज यार आप लोग को तो पता है कि नेक्स्ट मंथ हमारा होली का इवेंट आने वाला है। चलो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स के बारे में जो कि हम लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं होली के इवेंट के टाइम। लेकिन यार लेकिन आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये चल रहा होगा कि क्या उससे पहले हमारा फ्री फायर गेम बैन तो नहीं हो जाएगा ना? ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि एक गुड न्यूज है आप लोग के लिए, बिकॉज यार जो हमारे डेटा माइनर्स हैं उन्होंने ये बताया कि लीक सारी के 10 मार्च से पहले पहले आप लोग को हमारा फ्री फायर गेम है वो हर जगह देखने को मिल जाएगा। और हाँ यार आप लोग ने एक चीज को नोटिस की, हमारे गेम से ई स्पोर्ट के सेक्शन को रिमूव कर दिया गया। मतलब यार अभी हमारा इंडियन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होने वाला था जिसके अंदर हम लोग को रिडीम कोड मिलने वाला था, और आप लोग भी सोच रहे ना कि इंडियन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा और हम लोग को रिडीम कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उससे पहले बात करते हैं आप लोग के फायदे के बारे में, कि आप लोग भी मेरी तरह डायमंड और रिडीम कोड जीतना चाहते हो। तो आओ गाइस मैं आप लोगों को एक बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूँ। गूगल पे जाकर आप लोगों को सर्च करना है www.skillclash.com एंड गाइस यहाँ पर आप लोग बहुत टाइप्स के गेम खेल सकते हो, जैसे कि रमी, कैरम, लूडो, क्रिकेट और भी बहुत टाइप्स के इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हो, और वो भी एकदम फ्री में। और हमारे फ्री फायर के टॉप अप करने के लिए ये वेबसाइट एकदम बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ पर खेल कर जीते हुए पैसों को आप लोग फोन पे यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। स्किल क्लैश का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई लोग अब बात करते हैं हमारे रिडीम कोड के बारे में, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि हमारे गेम में इंडियन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस देखो यार जैसे कि आप लोग को पता है कि इस टाइम क्या है कि फ्री फायर वालों ने हमारे गेम से ई स्पोर्ट के सेक्शन को रिमूव कर दिया है। एंड गाइस आप लोग पूछ भी रहे थे कि हमारे इंडियन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा। तो गाइस देखो यार लीक से तो ये पता चला कि बहुत ही जल्दी आप लोग को हमारे गेम में ई स्पोर्ट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोग को इंडियन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप लोग टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी हम लोग को रिडीम कोड भी मिलने वाला है। बाकी गाइस जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होगा रिडीम कोड जैसे मिलेगा ना मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करा ही दूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे होली इवेंट के बारे में, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि इस टाइम तो फरवरी मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ हमारा मार्च का मंथ है जिस टाइम हमारा होली का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड आई नो गाइस आप लोग भी सोच रहे कि अभी तो फ्री फायर की बैन और अनबैन का सीन चल रहा है, तो आप लोग इसका टेंशन मत लो यार, बिकॉज यार लीक से तो ये पता चल रहा है कि 14 मार्च के बाद से आप लोग को हमारा गेम बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा, यानी कि एकदम स्मूथली पहले जैसे चलने लग जाएगा। तो चलो यार फ्री फायर के बैन अनबैन की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करते हमारे होली के रिवॉर्ड्स के बारे में। यार आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हम लोग को होली के इवेंट के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं। तो गाइस देखो यार जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछली बार जब होली इवेंट था तो हम लोग को मैजिक के पूरे 50 फ्रेगमेंट बिल्कुल ही फ्री में मिले थे, और इसी के साथ साथ हम लोग को इमोट हो गया, कैरेक्टर का भी बहुत सारे रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिले थे। एंड आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है यार कि इस बार हम लोग को क्या रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है होली के इवेंट में। तो गाइस देखो यार चांसेस तो ये है कि इस बार आप लोग को वापस से मैजिक के फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यार अभी तक ये पता नहीं चला कि हम लोग को 50 फ्रेगमेंट मिलेंगे या फिर पूरे 100 फ्रेगमेंट मिलेगा। और यही नहीं उसी के साथ साथ आप लोग को और भी रिवॉर्ड मिलने वाले, जैसे कि आप लोग को इमोट मिलने वाला है। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन भी चल रहा होगा ना कि इस बार हम लोग को कौन से इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है होली के इवेंट में। और वैसे भी आप लोग को पता है कि हम लोग को स्क्वाड बीट इवेंट के पीक डे पर ये वाला इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला था, बट यार हम लोग को ये वाला इमोट नहीं मिला। आप लोग भी सोच रहे हो यार कि हम लोग को ये वाला इमोट क्यों नहीं दिया फ्री फायर वालों ने। तो गाइस देखो यार मुझे तो ऐसा लगता है और आप लोगों को भी पता है कि 12-13 तारीख से हमारे फ्री फायर के बैन होने का सीन स्टार्ट हो गया था। एंड आप लोग को पता है कि 12-13 तारीख से हमारे फ्री फायर को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया था। गाइस हो सकता है तो फ्री फायर वाले इस चीज में बिजी हो गए थे, देन हम लोग को ये इमोट फ्री में नहीं दिया, ये मुझे मतलब ऐसा लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को बाद में ये वाला इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए। और वैसे भी गाइस आप लोग को पता है कि पिछली बार होली के इवेंट के अंदर एक इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिला था, और इस बार के होली इवेंट में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को जो स्क्वाड बिट के इवेंट के अंदर जो इमोट फ्री में मिलने वाला था वो इमोट
तुम लोगों को कहीं होली के इवेंट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए। एंड गाइस आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हां यार आप लोगों को एक चीज तो बताना भूल ही गया, बिकॉज़ यार आप लोगों को पता है कि इस बार आप लोगों को होली इवेंट के अंदर और भी बहुत सारे रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। बिकॉज़ यार आप लोगों को पता है चांसेस तो ये है कि इस बार आप लोगों को होली इवेंट के अंदर एक बंडल बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हम लोगों को दिवाली के टाइम पर एक बंडल बिल्कुल ही फ्री में दे दिया गया था और होली इवेंट में भी हम लोगों को एक बंडल बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। लेकिन यार अभी तक इसका कोई भी पोस्टर निकल के नहीं आया है। बाकी गाइस जैसे कोई पोस्टर निकल के आते हैं मैं आप लोगों को सबसे पहले बता ही दूंगा। गाइस ये सारी रिवॉर्ड हम लोग को बिल्कुल ही फ्री में होली के इवेंट में मिलने वाला है। और हाँ एक चीज तो भूल ही गया, बिकॉज यार आप लोगों को जो ये वाला फेस पेंट देखने को मिल रहा है ना, ये हम लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है होली इवेंट के अंदर। हो सकते तो इस वाले फेस पेंट के लिए आप लोगों को कुछ मिशन भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज यार आप लोगों को पता है कि जो हमारा तिरंगे वाला फेस पेंट है उसके लिए भी हम लोग को मिशन मिला था 26 जनवरी के टाइम पे। और आप लोग को ये वाला फेस पेंट कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना मुझे यार, बिकॉज यार मुझे ये वाला फेस पेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा और यूनिक लगा यार। सो गाइस आप बात के लिए हमारे मिस्ट्री शॉप के बारे में, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि फरवरी मंथ हमारा ऐसे ही चला गया। और वैसे भी आप लोग को पता है कि इस मंथ ओनली फ्री फायर बैन एंड बैन यही सारी सीन चलते रहे यार। तो चलो गाइस अब बात के लिए तुम्हारे मिस्ट्री शॉप के बारे में, क्या इस मंथ हम लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिलने वाला है। तो गाइस देखो यार सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फरवरी मंथ में हम लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिकॉज गाइस देखो यार सबसे पहले बात के लिए हमारे फरवरी मंथ की, क्या हम लोग को फरवरी मंथ में मिस्ट्री शॉप देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग देखो यार लीक्स तो आ रही है कि हम लोग को फरवरी मंथ में मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइस अभी इस चीज को कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि इस टाइम को ज्यादा इवेंट्स तो नहीं आ रहे और बहुत सारे इवेंट को फ्री फायर वालों ने पोस्टपोन कर दिया। गाइस चांसेस तो ये है कि 10 मार्च के बाद से आप लोगों को हमारे गेम में बहुत सारे इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, लाइक FFIC का टूर्नामेंट भी और भी बहुत सारी चीजें यार, मतलब बहुत सारी चीज आने वाली है। गाइस बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बैन अनबैन वाले सीन पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो यार। और रही बात आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि रितेश भाई टाइम पे वीडियो ही नहीं आ रही, हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपकी वीडियो का। गाइस देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं रिसेंटली क्या क्या हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है। गाइस इस टाइम सीन क्या कि फ्री फायर वाले बहुत सारे इवेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे इवेंट को टाइम से पहले इस टाइम लेके आ जा रहे हैं। यही रीजन है यार कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, देन हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और रही बात आप लोग ये जानना चाहते हो कि फ्यूचर में हमारा फ्री फायर गेम बैन होने वाला है या फिर अनबैन होने वाला है। और हाँ यार मैं आप लोग से बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लो, हमारा फ्री फायर गेम कोई बैन नहीं हुआ, ओनली ब्लॉक किया गया है। और हाँ यार आप लोग एक चीज मुझे जरूर बताना है, आप लोग को एक चीज में ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बिकॉज यार फ्री फायर वाले अपने इंस्टाग्राम पे 6 दिन से कुछ भी पोस्ट नहीं किए हैं। ओनली मैं फ्री फायर वाले से ये बोलना चाहता हूँ कि यार अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव तो रहो यार, तभी तो लोग को पता चलेगा कि आप ठीक हो एकदम। सही बात है। अरे बात के लिए तुम्हारे गिवे के बारे में, एंड गाइस अगर आप लोग को डायमंड जीतने तो आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे आप लोग को कमेंट सेक्शन में अपना फ्री फायर की आईडी अपना नेम भर देना है। इससे क्या होगा कि आप इसे जो भी अंदर लकी विनर बनेगा उसको हम लोग कल वाली वीडियो में दिखाएंगे, एंड गाइस उसका डायमंड भी देंगे। और हाँ यार अगर आप लोग गेम खेलकर बहुत सारे पैसे अर्न करना चाहते तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्किल क्लास का लिंक मिल जाएगा। और हाँ गाइस आप लोग से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोग फ्री फायर कितने घंटे खेलते हो, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।